शुभमन गिल वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के आठवें और कुल पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। इस यादगार पारी के लिए गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 23 साल के शुभमन गिल ने मैच समाप्ति के बाद खुलासा किया कि वो दोहरा शतक बनाने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन 47वें ओवर में 2 छक्के लगाने के बाद उनमें विश्वास जगा कि ऐसा किया जा सकता है। शुभमन गिल ने इसके साथ ही ईशान किशन को अपने बेस्ट फ्रेंड्स में से एक बताया। आपको बता दें कि शुभमन गिल अब सबसे कम उम्र में वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और उन्होंने ईशान किशन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। शुभमन गिल ने प्राइस सेरेमनी में कहा, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं और वो करके दिखाऊं जो मैं करना चाहता हूं। विकेट गिरने के चलते मैं खुलकर बैटिंग करना चाहता था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अंत में ऐसी बैटिंग कर पाया। कभी कभी जब गेंदबाज शीर्ष पर होता है तो आपको उन्हें दबाव महसूस कराने की जरूरत होती है, डॉट गेंदों से बचने, कुछ इंटेंट दिखाने और गैप में तेजी से मारने की जरूरत होती है, जो मैं कर रहा था। आपको बता दें, मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे। शुभमन गिल के दोहरे शतक के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज 50 रन तक भी नहीं पहुंच पाया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 337 रनों पर सिमट गई। माइकल ब्रेसवेल ने 140 रनों की पारी खेलकर न्यूजीलैंड को जिताने की पूरी कोशिश की।